यशु, हाँ मम्मी, ये लगा लो। लेकिन मम्मा ये क्यों? इसे लगा कर ना तुम भी अपनी बहन की तरह गोरी हो जाओगी। चलो इसे लगा लो। लेकिन मम्मा इसमें से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसकी बदबू को छोड़ो और इसे लगा लो, तुम्हें गोरा होना है कि नहीं? सोचो गोरी हो जाओगी तो कितनी सुंदर दिखोगी। चलो इसे लगा लो। मम्मा क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? एक काम करो, खुद ही शीशे में देख लो, पता चल जाएगा। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है, किसी की नजर ना लगे। वाह बेटा, कहीं जाने की तैयारी हो रही है बेटा? कहीं नहीं पापा। बेटा इतने अच्छे से तैयार हो रही हो, मुझे लगा कहीं जाने की तैयारी हो रही है। सुमित, अपनी बेटी है ही इतनी सुंदर कि कुछ भी कपड़े पहने बहुत सुंदर दिखती है। और एक है वो यशस्वी, उसे कितने भी अच्छे कपड़े पहना दो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। मम्मी? हाँ बोलो। मम्मा आपने जो दिया था वो मैंने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा भी लिया और अपना चेहरा अच्छे से धो भी लिया। अच्छा, जरा इधर आना देखो तो। यशस्वी तुम इतनी काली हो ना कि महंगी से महंगी क्रीम या मैं कुछ भी कर दूं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो चली जाओ यहाँ से अपना काला चेहरा लेके। श्वेता इतनी कठोर मत बना करो अपने बच्चे के साथ। सुमित आप नहीं जानोगे, मुझे ना अपने साथ उसे ले जाने में भी शर्म आती है। मेरी सबुन को देखो कितनी सुंदर है, पता नहीं वो काली कलूटी कैसे पैदा हो गई मुझसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में किसी दूसरे के साथ मेरा बच्चा बदली हो गया है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कोई अपने ही खुद की बच्ची के बारे में ऐसा कुछ बोलता है क्या? शशि मैं और मम्मी मॉल जा रहे हैं, तुम भी चलोगी क्या? नहीं मम्मी मुझे कहीं नहीं लेके जाती है, वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगी क्योंकि मुझे ले जाने से उनकी इंसल्ट हो जाती है। चल ठीक है फिर, अभी हम लोग जाते हैं। और हाँ तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे गोरी होने वाली क्रीम चाहिए तो मैं और मम्मी ले आएंगे। मम्मी आज तो बहुत थक गए है ना? हाँ बेटा बहुत थक गए आज तो। अरे वाह, आज तो तुम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग किया है। हाँ सगुन कई दिनों से कह रही थी कि मम्मा शॉपिंग पे चलना है तो मैंने सोचा शॉपिंग कराऊं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यशु के लिए कपड़े क्यों नहीं लाए? यशु क्या करेगी नए कपड़े पहन के, सगुन के पुराने कपड़े है ना वो पहन लेगी। क्यों, यशु पुराने कपड़े क्यों पहनेगी? वैसे भी वो नए कपड़े पहन के कौन सी सुंदर दिखने वाली है। सगुन बेटा तुम्हारे जो पुराने कपड़े है ना वो यशु को दे देना। Yes, of course, mom. और हाँ आज ना मेरी एक फ्रेंड आने वाली है तो तू है ना कमरे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। पर क्यों मम्मा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काला चेहरा देख के मेरा मजाक बनाए, इसलिए। हाय मनीषा, मिलो मेरे हस्बैंड से। हाय। ये है मेरी बेटी सगुन। हेलो आंटी। अरे खाओ ना। नहीं चाहिए तो बोलो। खाना बहुत अच्छा है। ओके श्वेता।
था, बहुत रात हो गई। चलो अब मैं निकलती हूँ। चलो आना फिर। हाँ बाय आंटी। आइए बेटी तो बहुत ही प्यारी है। तुम यही मेरी बेटी इतनी सुंदर। चलो बाय बाय आंटी। बाय बच्चा। आज डिनर करके मजा आ गया। हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? खाने की बात नहीं है, आज पूरे टाइम यीशु को कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया तुमने। आखिर वो भी तो हमारी बेटी है ना। तो क्या करती, उस काली लड़की को अपने फ्रेंड के सामने खड़े करके अपनी बेइज्जती करवाती? काली है तो क्या हुआ, है तो हमारी बेटी। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे कि वो काली लड़की मुझे पैदा हुई। मेरे खुद की मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है। बेटा सगुन। सगुन। हाँ मम्मी। बेटा एक ग्लास पानी लेके आना। मम्मी मैंने अभी अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई है तो मैं नहीं ला सकती, आप खुद ले लो। और चली जाए यहाँ से, वरना तेरा चेहरा देख के तुम्हें और बीमार हो जाऊंगी। सगुन। बेटा सगुन। मैंने यीशु के साथ बहुत गलत किया, ना जाने क्यों मेरे मन में इतना भेदभाव है। अम्मा ये लीजिए दवाई। मैंने अपनी दोनों बच्चियों में भेदभाव करके बहुत गलत किया। मेरी बेटी काली जरूर है पर दिल की बहुत अच्छी है। श्वेता तबीयत कैसी है? ठीक ही है। तुमने इस बात का ध्यान दिया, जिस बेटी से तुम नफरत करती थी आज मुसीबत में उसी बेटी ने तुम्हारा साथ दिया। आप ठीक कहते हैं जी, मैंने अपनी बच्ची के साथ बहुत भेदभाव किया है, बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी तुम्हें यीशु से मांगनी चाहिए। अरे मम्मा अब ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारी है।